पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह बुरेवाला के जो शहरी हैं, इन्होंने भी भारत के जो हालिया बयान पर जो है सख्ती से जो है अपने बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। खुशी तौर पर ये भारत की जो गिदड़ दबकियाँ हैं इसके ऊपर जो है वो अवाम में बड़े गम गुस्सा पाया गया, और अवाम का ये भी कहना है कि अगर ये ऐसे बार बार बयान देते हैं और ये इनके पास कुछ है तो है नहीं है, ये सिर्फ बयान तक ही महदूद है। भारत को, इंडिया को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की अवाम के अंदर ईमान है और तकवा है, और जिसकी वजह से वो सारा मामला जो है वो करते हैं। तो इसलिए भारत को अपने ये ज़बान जो है अपनी बंद रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा वक्त पड़ा तो हम इंशाल्लाह अपने दिलो जान से, अपनी जान से, अपने खून का एक एक कतरा तक जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए कुर्बान कर देंगे। यहाँ मैं आपको एक शायरी से बात करवाता चलूँगा कि वो क्या कहना चाहेंगे जी। पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है कि ये जो इस्लाम के लिए और अपनी पूरे मुल्क के लिए लड़ना भी जानती है और मरना भी जानती है, और ये इंडिया वाले बकवास कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि जनाब आला हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे, और इनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ईमान भी है और इसके अंदर जान भी है, और अगर हम अल्लाह अकबर का नारा लगा दें तो ये लोग वैसे ही उड़ जाएंगे। और ये तो लोग जो हैं गाय का पेशाब पीने वाले हैं और पाकिस्तानियों को धमकियाँ देते हैं, और हम तो इनको फूंक मारे तो वैसे उड़ जाएंगे ये लोग। जी, इनका कहना यह है कि ये इनकी ताकत क्या है, कुछ भी ताकत नहीं इनके अंदर, तो ईमान तक नहीं है, इसलिए अपनी ये गिदड़ दबकियाँ बंद होनी चाहिए। मैं एक और शहरी से बात करूँगा, वो क्या कहना चाहेंगे। इंडिया जो हमें धमकियाँ देता है, हम मुसलमान हैं, हमारे में कुर्बानी का जज्बा है, और इंशाल्लाह ताला हम अपने मुल्क की हफाजत करेंगे और हफाजत करना जानते हैं, और इंडिया के दांत इंशाल्लाह ताला खट्टे कर देंगे, हमारे में कुर्बानी का जज्बा है, हम मुसलमान हैं। जी, इनका कहना है कि हमारे अंदर तो जज्बात हैं, हमारे अंदर ईमान है, हम अपने रब पर ईमान रखते हैं, तो ये इनकी धमकियों से ना हम डरते हैं, ना हमें किसी तरह की परेशानी है। इनको जब ये मामला आया तो इनको पता चल जाएगा कि जंग कैसे की जाती है या जहाद कैसे किया जाता है। जी,